हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का आज है डे नंबर 2। ठीक है ना, पिछले क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज भी 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। ये सीरीज इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, सीयूईटी का हो, गेट का हो, किसी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का हो, टीजीटी पीजीटी किसी का भी हो। अगर इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का हर एक सिलेबस को कवर किया जाएगा इस एमसीक्यू वाले सीरीज में, ठीक है ना। आगे बढ़ूं, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, है ना, ग्रेजुएशन मास्टर, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट सेट और टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको क्लासेस ऑनलाइन करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रांची झारखंड से हैं, ठीक है, अगर आप रांची झारखंड से हैं तो ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, है ना, एड्रेस ले सकते हैं। फिलहाल ऑनलाइन कोर्सेज में अप टू 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसका बेनिफिट उठाइए, है ना, और हमारे साथ एजुकेशन का जर्नी शुरू कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस होते जाएगा वैसे ही क्वेश्चन का नंबरिंग भी रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कहता है लोकस ऑफ पॉइंट्स विच गिव कांस्टेंट यूटिलिटी टू कंज्यूमर इज नोन एज, है ना, मतलब एक ऐसा कर्व, है ना, जिस पे कई सारे लोकस ऑफ पॉइंट्स बने होते हैं जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है, कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन देता है, यूटिलिटी देता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि जब कंज्यूमर की बात करेंगे तो एक इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, जिसके लोकस ऑफ पॉइंट जो है वो कांस्टेंट यूटिलिटी देता है, किसी भी पॉइंट पर हम चले जाएं हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर तो यही होगा, एक्सपेंशन पाथ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता एक्सपेंशन पाथ? क्योंकि एक्सपेंशन पाथ हमारा जो होता है वो है कि डिफरेंट कांस्टेंट, डिफरेंट कॉस्ट और डिफरेंट आइसोक्वांट कर्व पे जो इक्विलिब्रियम होता है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को मिलाने वाला पॉइंट है ये, ठीक है। ये लोकस ऑफ कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है हमारा जो बताता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को, ठीक है। डिमांड फंक्शन भी नहीं होगा, डिमांड फंक्शन जो है वो डिमांड और प्राइस एंड फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस के बीच रिलेशन बताता है। वही यूटिलिटी फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन होता है एक्स और वाई का, जिसमें कहता है एक्स वाई चेंज होगा तो यूटिलिटी भी चेंज होगा, ठीक है। कांस्टेंट की बात करता है कौन? इंडिफरेंस कर्व, है ना, इक्वल सेटिस्फैक्शन की बात करता है इंडिफरेंस कर्व, तो हमारा आंसर होगा ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अकर्स। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट किस जगह पे होगा? तो देखिए, जब ब्रेक इवन पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, हाँ, ये हमारा क्या है, ए आर इक्वल्स एम आर है, ठीक है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट वहां होगा जब इक्विलिब्रियम पे मिनिमम एसी का मिनिमम पॉइंट टच कर रहा हो, ये पॉइंट जहां एसी इक्वल्स एमसी होगा, ठीक है। तो एसी जहां पे मिनिमम है वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट हमारा होता है, ठीक है। द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कर्व, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अब है मार्केट फेलियर्स अराइजेज एज द रिजल्ट ऑफ, मार्केट फेलियर अराइज होता है, कैसे होता है? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्केट फेलियर नहीं, मार्केट इफिशियंट होता है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, बिल्कुल। देखो, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में आपको पता होगा प्राइस ग्रेटर होता है मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है, तो ये मार्केट फेलियर को अराइज करता है, ये मार्केट में इनइफिशियंसी क्रिएट करता है, ठीक है। वहीं इकोनॉमी ऑफ स्केल जो होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल जब मिलता है किसी कंपनी, किसी फर्म को, तो उसका पर यूनिट कॉस्ट घटने लगता है, जिस कारण से वो मोनोपोली का रूप लेने लगता है, ठीक है, तो ये भी मार्केट फेलियर अराइज कर सकता है। तो 1 एंड 3 बोथ आर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए,
नाइन नंबर है, कहता है असर्शन रीजन का है, द रेट ऑफ फॉल ऑफ एम आर कर्व इज द ट्वाइस द रेट ऑफ फॉल ऑफ ए आर। हाँ, ए आर जिस रेट से घटता है उससे दो गुना रफ्तार से हमारा जो है वो एम आर घटता है, ठीक है, याद रखिएगा, टू टाइम्स रेट से घटता है। हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। रीजन है एम आर एंड ए आर कर्व आर लीनियर, वो लीनियर होता है, निगेटिवली स्लोप होता है, बिल्कुल सही है। एम आर और ए आर देखिए ये होता है किस केस में, मोनोपोलिस्टिक केस में, मोनोपोली के केस में, ठीक है, ये सिचुएशन मेनली हम लोग मोनोपोली का लेके चलते हैं, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो ए आर इक्वल्स एम आर होता है, ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ मोनोपोली की बात हो रही है, ठीक है। तो एसर्सन रीजन दोनों सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना। हाँ, अब कहता है इफ मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस, देखो प्राइस हमारा कॉन्स्टेंट है, ये डिमांड हो रहा है अभी, और वही प्राइस पे डिमांड हमारा बढ़ के डी वन हो गया, पहले इतना क्वांटिटी डिमांड रहा था, अब इतना क्वांटिटी हो रहा है, ये कब होता है, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड, या तो कहिए मोर क्वांटिटी डिमांडेड द सेम प्राइस, या फिर बोलिए सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस। अगर प्राइस बढ़ भी जाए, ठीक है, तब भी अगर उतना डिमांड हो रहा है हमारा, है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ये इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो देखिए आपका आज का ये क्वेश्चन था 10, ये 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया, है ना। बाकी मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक है। तो आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।